हेलो भाई, मैं हूँ सोनू कुमार और अभी मेरे सामने खड़ी है एक सेफेस्ट 7 सीटर कार जो जी एन कैप में 4 स्टार रेटिंग स्कोर कर चुकी है। ये हमारे सामने जो खड़ी है सबसे ज्यादा बेस वेरिएंट है जो कि है ट्राइबर RXE। इससे नीचे और कोई वेरिएंट नहीं आता। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको लेंथ जो है इसकी 3991 mm की लेंथ मिल जा रही है, जो सेम जो काइगर में आपको मिलती है, सेम जो लेंथ है वो आपको इसमें मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 2636 mm की व्हील बेस मिल जाती है जो काइगर से लगभग 150 mm ज्यादा है। और कलर ऑप्शन जो है इसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। पहली जो हमारे सामने खड़ी है ये व्हाइट कलर में और दूसरी जो मूनलाइट सिल्वर कलर जो आपको दूसरी ऑप्शन है। बाकी रेयर लुक देख लो, इतनी कुछ रेयर लुक आपको ऐसी देखने को मिल जाती है। 1739 mm की चौड़ाई है। इर्टिगा और इसकी चौड़ाई में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बाकी जो इर्टिगा है हमारी थोड़ी सी लंबी है, ये सब 4 मीटर आती है और वो 4 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। बाकी इंजन ऑप्शन की बात करें तो 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 1000 cc का पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करती है 71 bhp और 96 Nm का टॉर्क। उससे ज्यादा आपको कोई इंजन ऑप्शन नहीं मिलता, बस एक ही इंजन ऑप्शन मिलती है इसमें। उसके साथ कंपनी माइलेज क्लेम कर देती है 20 km/h की। बाकी इसमें आपको 3-4 वेरियंट मिल जाते हैं, RXE, RXL, RXT, RXZ, टोटल 4 वेरियंट मिलते हैं। और फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है RXT वेरियंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी गाड़ी के बारे में। तो एक्स शोरूम प्राइस जो गाड़ी की 6,33,000 है, तो बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में ये गाड़ी आपको 7 सीटर रेनॉल्ट प्रोवाइड करा रही है। तो आगे से देख लें, तो आगे पहले देख लो, जैसा कि आपको टॉप वेरिएंट में फ्रंट स्किड पेड मिलता है, ये बेस वेरिएंट है हमारे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा वैसा। सिंपल से आपको हनी बीम वाली जो देखने को मिल जाती है ग्रिल, और ऊपर आपको सिंपल ग्रीन मिल जाता है ब्लैक कलर में। सिल्वर जो क्रोम है वो वर्क देखने को यहाँ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डेयरल्स भी देखने को नहीं मिलते और इसमें फॉग लैम्प तो आते ही नहीं है गाड़ी में। बाकी हाउसिंग वगैरह यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बाहर में आप एसेसरीज में लगवा सकते हो, इसमें जो है डेयरल्स वगैरह लगवा सकते हो। बाकी सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको गाड़ी मिल जाती है, 182 mm के लगभग ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। बाकी सेंटर में आपको लोगो मिल जाता है। और ये हेडलाइट्स यूनिट्स की बात करें तो सेम हेडलाइट्स आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, वही हेडलाइट्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं प्रोजेक्टर, और यहाँ इंडिकेटर्स जो है वो आपको हैलोजन में देखने को मिल जाते हैं। बाकी बोनट पे आपको एक वॉशर देखने को मिल जाता है और 2 वाइपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। मेजर डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ आपको फेंडर पे लाइट देखने को मिल जाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बेस वेरिएंट है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ आपको सीएट के टायर्स मिलते हैं जिसके टायर सेक्शन है, यहाँ पे आपको 165/80 R14 के मिलते हैं। R15 के टॉप वेरिएंट में मिलेंगे, तो इसमें आपको R14 से सिंपल ये ब्लैक रिम वाली मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ भी आपको रेनॉल्ट को लोगो मिल जाएगा। यहाँ फेंडर पे लाइट्स है, सबसे खराब यही लगती है लो वेरिएंट में, ये आपको फेंडर पे इंडिकेटर दिया जा रहा है। और ORVM की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलती है, ये भी आपको वो लो वेरिएंट का फील कराएगी। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा, LED इंडिकेटर वो आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी ऑड देखने को मिल जाती है। ये हो गई इसकी, बाकी की लगाने की स्पेस वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। सेकंड डोर में भी आपको जो है वो ब्लैक कलर में देखने को मिलता है डोर ओपनर। यहाँ फ्यूल फिलर कैप आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और पीछे से गाड़ी की लुक कुछ ऐसी है। जैसा कि ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, बट यहाँ पे कैमरा नहीं मिलेगा। बाकी लाइसेंस प्लेट नंबर लाइट यहाँ आपको देखने को मिल जाती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन यहाँ देखने को मिल जाता है बूट खोलने के लिए। तो यहाँ कैमरा नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, और ना ही डिफॉगर मिलेगा रेयर्स में। आईमोंट स्टॉप लैम्प यहाँ देखने को मिल जाता है, वाइजर तो यहाँ है ही नहीं। तो ठीक है, और ये जो जैसा कि टॉप वेरिएंट में आपको लाइट्स मिलती है रेयर के लिए, तो टेल लैम्प्स भी आपको सेम वही मिलेंगे जो टॉप वेरिएंट में मिलेगी आपको। यहाँ आपको रेनॉल्ट की बेजिंग मिल जाती है, ड्राइवर की बेजिंग यहाँ मिलती ही है। तो ठीक है, और ये जैसा कि बेस वेरिएंट है तो यहाँ आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है। ये हो गई गाड़ी की बाहर से बातें, तो ऐसा कोई कुछ नहीं बचा जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो सब कुछ बता दिया मैंने। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको मैंने बता ही दिया, अब वो गाड़ी के इंटीरियर को चल के देखते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लो, आप सेटिस्फाई हो जाओ कि कितने पैसे दे रहे हो और आपको क्या क्या मिलेगी। डोर ट्रिम में आपको कोई वैसा चेंज नहीं मिलेगा, बस यहाँ आपको पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ 2 ही मिलेंगे, और ORVM के कंट्रोल्स यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, वो हाथ से ही आपको बाहर से ऐसे करके पकड़ के लगाना होगा।
को आरपीएम को सेट करना होगा। बाकी दो बोतल होल्डर यहाँ भी मिल जाते हैं। यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है, आपको सिर्फ रिक्लाइनर मिलती है, इससे आप रिक्लाइन कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट इस वेरिएंट में नहीं है। अब हम अंदर बैठ के देख ले। देखो पहले मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ सीट को और डोर को करते हैं बंद। देखो तो ये है गाड़ी की पूरी इंटीरियर जो आप देख रहे हो, तो एकदम सिंपल इंटीरियर है जैसा कि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह नहीं देखने को मिल जाते हैं, सिल्वर का वर्क भी यहाँ देखने को नहीं मिलता। सिंपल आपको यहाँ हॉर्न मिल जाती है, ऐसे हॉर्न बजती है। बाकी यहाँ आपको रेनॉल्ट की लोगो मिल जाती है और यहाँ आपको आरपीएम मीटर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिजिटली स्पीड देखने को मिल जाता है और इधर आपको टेम्परेचर वगैरह गाड़ी दिखा देती है। बाकी कोई भी क्रोम का यूज या सिल्वर का यूज यहाँ पे आपको अंदर से इंटीरियर में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल ब्लैक कलर में आपको हार्ड फाइबर में लिया गया है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ठीक है। और ट्विटर की प्लेसिंग वगैरह देख ले, तो उधर आपको ट्विटर की प्लेसिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि टॉप वेरिएंट में आपको प्लेसिंग वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बट आपको स्पीकर और ट्विटर वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसकी प्लेसिंग खाली जगह मिल जाती है जो कि बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हो। वैसे इसकी एक्सोरूम प्राइस की बात कर ले तो 6,33,000 में आपको और क्या चाहिए, 7 सीटर मिल रहा है। बाकी ऑन रोड प्राइस इसकी 7,05,000 के आसपास है, जो ऑन रोड आपको यहाँ पर मैं धनबाद की बता रहा हूँ, तो सब जगह के थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं। बाकी यहाँ आपको फोन वगैरह रखने का स्पेस, और ये थोड़ा सा हिल रही है, हाँ थोड़ा सा फाइबर है तो ये थोड़ा सा हिलता है। पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल की लगाना है। और इधर आपको पावर आउटलेट दिया गया है, फोन वगैरह रखने का स्पेस, इधर दो कप होल्डर, और यहाँ आपको ये कवरिंग है। ये आपको आप कवरिंग जो है टॉप वेरिएंट में देखने को मिल जाती है ना, फ्लिप करके खोल सकते हो, तो यहाँ आपको ऐसे कुछ मिल जाती है। कूलिंग वगैरह यहाँ आपको अवेलेबल नहीं है। बाकी ये हमारी मैनुअली हैंड ब्रेक और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ गाड़ी आती है, तो यहाँ आपको 5-स्पीड मिल जाएगा। रिवर्स हमारी ऐसे करके इधर लग जाती है। कैमरा वगैरह नहीं है तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलता। बाकी बाद में आप यहाँ इंफोटेनमेंट वगैरह बैठा सकते हो तो ठीक है। यहाँ आपको बूट खोलने के लिए बटन मिल जाता है और यहाँ जो है हजार्ड लैंप्स के बटन मिल जाते हैं, तो इतनी कुछ है। बाकी जो इसकी डोर लीवर है वो आपको ब्लैक में ही देखने को मिल जाता है, सिंपल। तो ये पूरी इंटायर इंटीरियर। अब हम पीछे से चल के देखते हैं, पीछे भी आपको क्या क्या मिलेगा वो तो हम बता देंगे। तो देख लो 6,33,000 में एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से आपको ऑन रोड जो 7 लाख पड़ रही है, तो उसमें आप 5 सीटर भी ले सकते हो। नॉर्मल आपको स्विफ्ट वगैरह जो है वो आजकल 8-9 लाख रुपए पड़ जाते हैं, तो वो भी महंगे, उससे भी महंगे होते हैं। तो आपको 6.5 लाख में यहाँ आपको 7 सीटर मिल रहा है, तो आप अपने नीड के अनुसार, ये प्रैक्टिकल गाड़ी तो है ही, नीड के अनुसार आप ले सकते हो। बाकी इधर आपको ऐसी कुछ टिकट होल्डर वगैरह मिल जाएगा, केबिन लैम्प हमारे येलो मिलती है, और यहाँ आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया जा रहा है। बाकी एयरबैग की मेजिंग जरूर से मिल जाएगी, 2 एयरबैग इसमें भी आपको मिलेंगे। बाकी इधर आपको डे एंड नाइट नहीं मिलेगा, सिंपल आपको ऐसे मिलेगी। एडजस्टेबल आईआर भी है, मैनुअली एडजस्टेबल। बाकी सबसे गलत जो मुझे लगती है कि ये जो आरबीएम है ना, हाथ से पकड़ के आपको ऐसे ऐसे करके एडजस्ट करना होता है, वो सबसे बुरी लगती है। बाकी पावर विंडो का कंट्रोल्स यहाँ आपको 2 ही मिलेंगे। अब चलते हैं पीछे, तो पावर विंडो का कंट्रोल्स पीछे तो नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको ये वाली एडजस्टमेंट मिलेगी पावर विंडो के कंट्रोल्स। पावर विंडो है ही नहीं पीछे के लिए, तो पीछे चलते हैं हम लोग। अभी हाइट के अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट कर ले इसको अपना थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखो सेकेंड रो को एक्सेस करना बहुत ही इजी, आराम से आप अंदर आ सकते हो, जा सकते हो, कोई मतलब उतना ऊंचा भी नहीं है और ज़्यादा ट्रेवल करने का जरूरत नहीं है। बाकी स्पीकर की यहाँ खाली स्पेस मिल जाएगी, स्पीकर आपको बाद में डलवाना होगा तो वो डलवा सकते हो। बाकी ये वाली विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको ऐसा, रोल अप रोल डाउन करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपको ऑल्टो में जो मिलती है सेम यहाँ भी मिलेगी। डोर लीवर यहाँ आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, यहाँ कुछ ऐसा मिल जाता है। और ये हो गई हमारी इस साइड की, तो इधर कुछ इतनी स्पेस वगैरह बच जाती है, टॉप वेरिएंट में भी इतना स्पेस बचता है, तो डायमेंशन में कोई ऐसा चेंज नहीं है। बाकी कलर वगैरह देख लो थोड़ी सी अलग है, इसकी जो सिंथेटिक का यूज है वो थोड़ा सा अलग है इसमें, तो ठीक है। अब इधर पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह तो मिलता ही नहीं, चलो अब बाहर में चल के दिखा देता हूँ। बाकी इसको एडजस्ट करके आप पीछे थर्ड रो को आराम से एक्सेस कर सकते हो, दिखाता हूँ अभी।
देखो यहाँ पे आपको ये वाली लीवर दी गई है, जिसको इसको आप ऐसे करोगे ना ये ऐसे हो जाती है। बाकी पीछे चल के मैं आपको दिखा दूं, देखो ऐसे करके आप आराम से एंट्री ले सकते हो और ऐसे करके बैठ सकते हो। तो लेग रूम वगैरह इसमें नहीं बचता, थर्ड रूम में उतना स्पेस वगैरह नहीं बचता। देखो पूरा ही टच हो जा रहा है, मतलब इससे और आगे भी मेरा पैर जा सकता है, बट ये जाने नहीं दे रही है। और पीछे आपको जो है थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है इधर। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है इस वेरिएंट में भी आपको चार एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल रहे हैं। टॉप वेरिएंट में भी हम लोगों ने देखा था चार एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे थे, तो और क्या चाहिए। बाकी हुक्स वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ आपको जो है पीछे वो जो एसी वेंट्स है वो देखने को नहीं मिलते। तो टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गई डिफरेंस। बाकी डिफोगर वाइपर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट वगैरह ये तो है ही। तब हम चलते हैं, इसको हम फिर से वापस कर लेंगे ऐसे। बूट कैपेसिटी की बात करें तो देखो जैसे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है जिसको आप प्रेस करके यहाँ से खोल सकते हो, तो लगभग यहाँ 85 लीटर की बूट कैपेसिटी मिल जाती है यहाँ पे, जो कि ऐसी कुछ कवरिंग वगैरह से साथ आती है। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाएंगे, और इसको जो है वो भी आप यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, जिससे आपकी जो है बूट स्पेस वगैरह बढ़ जाएगी। तो इतनी कुछ बूट स्पेस वो आपको मिल जाती है, और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल्स वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाते हैं जो नीचे लटकी हुई। टायर सेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ से तो कुछ दिख ही नहीं रहा, टायर प्रोफाइल में शो कर दूंगा, यहाँ से नहीं दिख रही है। ये हो गई गाड़ी के बारे में, तो आप बताना 6-6.5 लाख में ऐसी गाड़ी मिल रही है तो आपको क्या चाहिए। और बाकी ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है टॉप वेरिएंट में और इसके कंपैरिजन में, जैसा कि ये RXE वेरिएंट है। ऑन रोड प्राइस 7,05,000 के आसपास पड़ेगी। तो ये होगी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।